लोकसभा चुनाव में किसे मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। आखिर 7 चरण 70 दिनों के घमासान का कौन होगा विजेता। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के औपचारिक ऐलान के साथ ही सियासी बिगुल भी बज चुका है। देश की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव की ये प्रक्रिया पूरी होने में करीब 2.5 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में साफ है कि इन 70 दिनों में देश की दशा और दिशा तय हो जाएगी। अगर सियासी दलों की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में मैदान में है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे के साथ रण क्षेत्र में उतर रही है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं और उनके नेता ही पार्टी के चेहरे हैं। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सियासी जंग जीतने के लिए क्षत्रपों से भी हाथ मिला लिया है। बिहार में बीजेपी के सहयोगी के तौर पर जेडीयू और एलजेपी है, तो वहीं महाराष्ट्र में और पंजाब ने बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने सहयोगियों शिवसेना और अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि दक्षिण भारत में बीजेपी ने सहयोगी दल तलाश लिए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ने AIADMK संग गठबंधन किया है। बाकी राज्यों में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने भी सत्ता में वापसी के लिए कई दलों के साथ गठबंधन किया है। महाराष्ट्र में NCP के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बिहार में भी छोटे दलों के साथ चुनावी नैया पार करने की फिराक में है। इसी तरह यूपी में SP BSP की ओर से झटका मिलने के बाद कांग्रेस की नज़र छोटे दलों पर है, जबकि पश्चिम बंगाल में पार्टी गठबंधन को लेकर पेशो पेश में है। कांग्रेस दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी गठबंधन करके चुनावी किस्मत आजमा रही है। कर्नाटक में JDS संघ तो तमिलनाडु में DMK के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद है। हालांकि अब तक आए तमाम सर्वे पर भरोसा किया जाए तो इस बार क्षत्रपों की भूमिका अहम रहने वाली है। यानी 70 दिनों के सियासी घमासान में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दल किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। इनमें SP BSP, TMC, BJD, TDP, YSR कांग्रेस और TRS जैसे दल प्रमुख हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस बार के घमासान में किसको सत्ता मिलती है और किसका पत्ता कटता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।